दोस्तों आज की कहानी एक लड़के की है जिसके पास कुछ शक्तियां आ जाती हैं, जिससे वो गायब हो सकता है। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी शुरू होती है और हमें एक पागल आदमी दिखता है जो कि पागल खाने में दीवार पर ड्राइंग बना रहा होता है और उसकी अचानक से मौत हो जाती है। ड्राइंग बना रहा होता है, वो एक शहर का नक्शा बना रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो आदमी यह नक्शा बनवा रहा होता है वो किसी को ढूंढ रहा है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम होता है माइकल, या माइक भी बुला सकते हैं। माइकल को स्टेला की पार्टी में जाना होता है। स्टेला उसकी क्लासमेट है जिसे वो बहुत ज्यादा लाइक करता है। उससे वो बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत ही सही है। जब भी वो स्टेला से बात करने की कोशिश करता है तब तब उससे गलतियां हो जाती है, इसलिए वो उसकी चुपचाप वीडियो बनाता है और छुपकर देखता है। अब हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहां पर हम देखते हैं कि एक ऑफिसरी उनकी क्लास में आती है और बोलती है कि इनका एक क्लासमेट मार्टिनो जो कि 2 दिन से गायब है। और हमें यहाँ पर यह बात पता चलती है कि ये ऑफिसर माइकल की मॉम है, उनकी मॉम एक पुलिस वाली है। इसके बाद माइकल के नाक से अचानक से खून निकलने लगता ही और वह भागकर बाथरूम जाता है। माइकल बहुत शरीफ बच्चा है इसलिए उसे बाकी बच्चे सताते रहते हैं और मजाक उड़ाते रहते हैं। वो इनसे परेशान हो चुका है और इनको सबक सिखाना चाहता है लेकिन वो ऐसा कैसे करे उसे पता नहीं चल रहा है। रात को वह स्टेला की पार्टी में जाने से पहले वो एक कॉस्ट्यूम में जाता है जहां पर उसे अलग अलग तरह की कॉस्ट्यूम दिखाई देती है। लेकिन वान पर कॉस्ट्यूम वाले का बच्चा आता है और वो माइकल को चाइनीज सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम देता है। माइकल उससे पूछता है कि इस सुपर हीरो कॉस्ट्यूम की क्या पावर है, तो कॉस्ट्यूम वाले का बच्चा कहता है कि तुम्हें इसकी पावर समय आने पर पता चलेगा। अभी भी उसे पार्टी में जाने से डर लग रहा है कि उसका कॉस्ट्यूम देखकर सब बच्चे उसका कॉस्ट्यूम देखकर उस पर हंसेंगे। उसे ऐसा लगता है उसकी मॉम समझती है कि सुपर हीरो होना इतना आसान नहीं होता है, उन्हें मुश्किलों से लड़ना होता है।